तो लाइफ। मैम 18 वेटिंग है। Did it start? I did the story. Yes, yes, we are live. All right. मैम एक बार देखो ना, यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है। मैम यूट्यूब अपना पेज नहीं नजर आ रहा। We are not visible on YouTube. आपने उस दिन सही सेटिंग करी थी, कैन गो बाय दैट वे। वी स्टार्ट विद एंड कोई आंसर नहीं। Okay. All right, I hope now we are visible. Yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम इंडियाना जोन्स, अमन, शशांक, एवरीवन वेलकम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सच का सामना विद डॉक्टर प्राक्षी मैम एंड डॉक्टर छवि मैम। सो स्टूडेंट्स फील फ्री टू आस्क एनीथिंग यू वांट टुडे, इट इज योर अपॉर्चुनिटी, यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क योर फेवरेट एजुकेटर्स एंड आई होप दिस विल यू विल रियली एंजॉय दिस सेशन एंड दिस विल be a very good one. So let me start. I've received various questions from many students and I've compiled it into one. So let me start one by one. This is definitely going to be a very interesting one, and you all can also let me know your questions in the chat box. All right, I'm Janani Saptarishi. I'm also an educator in an academy. Fine, so let me start with the first one. Yes. So this is a common question, ma'am, to both of you. So what is your journey to become an educator in an academy? Both of you, some words on this. Okay, first of all, a very, very, very beautiful good evening to each of my lovely students. I hope सारे के सारे बच्चे मुझे देख पा रहे हैं। जानी मैम, पहले तो एक बार आपका बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चों का ये डाउट है। बच्चे हमें तो पुराने चैनल से भी जानते हैं, वो यहाँ पे पूछ रहे कि मैम ये जननी मैम कौन है, वी डोंट नो हर, है ना। तो अनअकैडमी एजुकेटर कैसे बनना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले जननी मैम अपना एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दे दो, ताकि सारे बच्चे आपको पहचान पाए पहले, है ना बच्चों। और ये जननी मैम का ही एक्चुअली आइडिया था, उन्होंने हमें बोला कि मैम छवि मैम और प्राक्षी मैम आपके इतने सारे बच्चे इतनी सारी चीजें पूछना चाहते हैं आपसे, तो मैं ना चाहती हूँ कि मैं आप दोनों का एक बार सच का सामना कराऊँ, ठीक है। तो इतना बढ़िया प्लान लेकर जननी मैम आई है, तो चलो बताओ मैम अपने बारे में बच्चों को पहले। तो
Okay, hello. My name is Janani Saptarishi. I'm currently doing my biotechnology. I'm just a student like all of you here. I'm 20 years old and I really enjoy teaching. And yes, being the youngest, I'm taking the privilege to ask these great educators that how do they cope up with things. And there are many interesting questions, and even I'm awaiting for lots and lots of interesting answers. And also, I expect honest answers from both of you. Absolutely. Fine. So yes, ma'am. Who would like to start your journey of becoming an Unacademy educator? So Prakshima is going to start first. Prakshima, सबसे पहले आप start करो. All right, ma'am. Okay, so. देखो यार, पढ़ने का तो ना, पढ़ाने का तो मतलब हमेशा से शौक था मुझे. आई हैव ऑलवेज, मतलब यू नो, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आल्सो आई वाज ऑलवेज टीचिंग पीपल. कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं शांति से बैठ के खुद पढ़ रही हूँ. आई वुड नेवर डू दैट. आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन हुज बीन यू नो गोइंग टू पीपल एंड मैं उनको पकड़ पकड़ के पढ़ाती थी अपने फ्रेंड्स को कॉलेज में. एंड यू नो लाइक बचपन से मैम सपना होता है ना, तो मेरा सपना नहीं था टीचर बनना बचपन से. मेरा सपना बचपन से ये था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है. एंड देन सडनली यू नो वन डे ऑल ऑफ अ सडन आई वाज लाइक नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है. मुझे बच्चों को ही पढ़ाना है, मुझे उनको बताना है कि वो ये काम बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं. यस, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब से मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगी. एक आध जगह पे पढ़ाया, फिर अनअकैडमी से फोन आ गया. उन्होंने कहा मैम आप पढ़ा लो, तो मैंने कहा अरे वाह, अनअकैडमी से बढ़िया पढ़ाने का तो कोई जगह हो नहीं सकता. सो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो ऑन. सो मैम, एनी इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस? Any inspiration behind being an educator? Okay, I'll tell you. Yeah. I had an educator when I was in class 10, and you know, I realized that an educator can change the lives of students in a great manner. Like, I know how she changed my life. You know, like, I was a merit holder in class 10. So, the way she made me do that, I give my complete credit to her even today. So, the way she made me do that, I know educators can do that to their students, hai na? एंड आई हैव टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि ये सब के सब क्रैक करने ही वाले हैं, ये सब के सब एक्चुअली साथ में क्रैक कर लेंगे ये लोग, एक्चुअली दे विल बिकम टॉपर्स एज वेल. सो या आई थिंक दैट वॉज माई इंस्पिरेशन कि एक एजुकेटर इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं बच्चों की लाइफ में. सो आई वॉन्टेड टू डू द सेम. या यस, तो नीलम एंड बहुत लोगों ने कहा कि यस यू आर अ टीचर एंड अ डॉक्टर टू, एंड दैट रियली इंस्पायर्स देम टू. फाइन, सो यस छवि मैम, वी लव टू हियर फ्रॉम यू. हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? सो फाइनली हम लोग मिल रहे हैं. वैसे हम 7:30 पे इस चैनल पे मिलते हैं, बट आज हमने सोचा कि अलग सा सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए. एंड जो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह आप लोगों ने बोला है कि आप लोगों ने बोला था कि मैम कभी कभार ना अपने हम अपने बारे में भी बताओ, इसी वजह से ये सेशन स्टार्ट हुआ. अच्छा जर्नी मैम ने मुझसे पूछा कि मैम आपका जर्नी जो थी विद अनअकैडमी स्टार्ट कब हुई. मैं मतलब अगर बताऊँ, अनअकैडमी को मैंने अप्रैल, मतलब इस प्लेटफॉर्म में मैंने अप्रैल में ही ज्वाइन किया है लास्ट ईयर. तो जब ये कोविड स्टार्ट हुआ तो छवि मैम भी आपके साथ स्टार्ट हो गई थी. तो अनअकैडमी की मेरी जर्नी 9th अप्रैल, आई स्टिल रिमेम्बर 9th अप्रैल को आई ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म. टीचर बनना एक प्रेफरेंस था मेरा, डेफिनेटली था. ऊपर से उससे पहले मेरा ये था कि नहीं यार मेरे को रिसर्च में जाना है. सो दैट्स द रीजन आई डिड माई PhD. Then, उसके साथ साथ टीचिंग का प्रोफेशन का चांस मिला, टीचिंग टीचर बनने का चांस मिला. देन आई थॉट लेट्स गो फॉर इट. देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस प्लेटफॉर्म. उसके बाद वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अनअकैडमी एज अ एजुकेटर. एंड उसके बाद से आई एम विद यू गाइस, है ना. तब से हम आपके हैं, आपके यहाँ जान खा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आपकी पूरी जान खाते हैं, बायोलॉजी आपको पढ़ाते हैं. क्यों गाइस? यस गाइस, पहले ना बता दो हम सब ऑडिबल विजिबल सब चीजें हैं कि नहीं. और बच्चे आप लोग भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, डेफिनेटली पूछो क्वेश्चंस एंड हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे. क्वेश्चंस आर वेलकम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, सो दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू छवि मैम बाय निवेदिता. शी हैज आस्क्ड दैट हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस ऑफ एग्जाम्स. देखो स्टूडेंट्स, एक बहुत इजी वे में, एक बहुत ही छोटी चीज में मैं बात कहूंगी, स्ट्रेस क्यों लेना है यार,
लेना क्यों है, अरे यार 60% आ जाएंगे तब भी खुश है, 70 आ जाएंगे तब भी खुश है, बस जिसमें रहो उसमें ना संतुष्ट रहो, उसमें सेटिस्फाइड रहो, दैट्स इट। आज मैं सिर्फ मेहनत करूं कि हमने मेहनत करनी है एंड रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, चाहे 60 आए चाहे 70 आए चाहे 80 आए, की फर्क पैदा है। नॉलेज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, कई बच्चे होते हैं जिनको बहुत चीजें आती है बट वो हर चीजों को एक अच्छे तरीके से पेपर में नहीं लिख कर आ पाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भी आप स्ट्रेस लोगे, भाई आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप स्ट्रेस लेकर बिल्कुल बैठे हो आराम से कॉर्नर में, घर के कॉर्नर में, नहीं, डोंट टेक स्ट्रेस। मुझे पता है आज इस टाइम पे, क्योंकि अब हमारे पास एग्जाम्स के लिए हमारे पास 3-4, 3.5 महीने बचे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैम हमें तो ये भी नहीं आता, हमें तो वो भी नहीं आता, आप जब क्विजेस लेते हो तब हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता, हम लीडर बोर्ड पे नहीं आ पाते, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम्स होती है। बट एक चीज गाइज ध्यान रखना, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे यू विल फाइंड इंप्रूवमेंट इन योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आजकल आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था और आज लीडर बोर्ड में आप फर्स्ट आ जाओ, ऐसा नहीं है। चीजें धीरे धीरे बढ़ो तो ज्यादा बेटर हो जाती है, और धीरे धीरे हो जाएगी यार, नहीं होगी तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लिया करो। मैं तो बच्चों को ये कहती हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो उस 2 घंटे को बिल्कुल फोकस से पढ़ाई करो, मतलब कि ये कि आप लोगों को कोई कुछ ये और डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ना ही उस समय सोशल नेटवर्किंग ऑन होना चाहिए, ना ही आपकी पबजी ऑन होना चाहिए, कोई भी गेम ऑन नहीं होनी चाहिए, बीच में आपने फोकस से पढ़ाई करी। जैसे ही आपका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया आपके हाथ में बुक्स नहीं होनी चाहिए, बुक्स बिल्कुल बंद कर दो, फिर फ्रेश जब फील करो तब बुक्स उठाया करो, चाहे दिन में 2 घंटे उठाओ बट उसको दिल से प्यार से उठाया करो। बस स्ट्रेस होकर क्यों, स्ट्रेस लेना ही नहीं है ना मैम प्राक्षी मैम, बताओ बच्चों को स्ट्रेस लेना ही क्यों है, चिल मारो यार चिल। मैम मुझे तो समझ नहीं आता, मैं काफी बार बच्चों को देखती हूँ मतलब पढ़ाई से इतने परेशान हो जाता है, एंड आई एम लाइक ब्रो पढ़ाई इज द, मतलब मुझे लगता है काफी मजेदार चीज है, स्पेशली यार मतलब साइंस के स्टूडेंट्स हैं इनकी तो पढ़ाई काफी मजेदार है ना। अगर अपन बायो की बात करें, रोजाना तुम जिंदगी में देख रहे हो वो चीजें तुमसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, दही कैसे जमाते ये क्वेश्चन आता है बायो में, मतलब सोचो इससे ज्यादा तो क्या ही प्यारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो इट इज लव आई थिंक, पढ़ना मतलब इतने प्यारे तरीके से पढ़ेगा, यू शुड नॉट गेट, यू शुड नॉट टेक स्ट्रेस ऑफ एग्जाम्स। देखो मैं एक बात बताती हूँ, मार्क्स उतने ही आएंगे चाहे तुम स्ट्रेस ले लो चाहे तुम स्ट्रेस नहीं लो, ठीक है, उल्टा स्ट्रेस नहीं लोगे ना तो आई थिंक एक पॉइंट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा कि मार्क्स आने के चांसेस थोड़ा बेटर हो जाएंगे क्योंकि पढ़ाई ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो मार्क्स बढ़िया तभी आएंगे जब स्ट्रेस लेना बंद करोगे, जितना स्ट्रेस लोगे मार्क्स उतने कम ही आएंगे, ठीक है। सो स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस एट ऑल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चैट बॉक्स में लिखा है कि ही फील स्ट्रेस्ड आउट और बैड बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डू क्वेश्चन एज फास्ट एज द अदर स्टूडेंट्स, सो दैट व्हाट ब्रिंग्स हिम स्ट्रेस। ओके, आई वुड लाइक टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हु वाज ही, आई डिडंट नो, आई सॉ द क्वेश्चन एक्चुअली, आई डोंट रिमेंबर द नेम। बच्चे सी आई टेल यू वन थिंग, ओके तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कौन सा इंसान अच्छा लगेगा जो अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ गया लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा, या फिर एक ऐसा इंसान जो धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा था मगर इवेंचुअली ही सक्सीडेड इन अ मच बेटर मैनर। व्हाई डू यू वांट टू बिकम फास्ट, फास्ट बन के क्या ही करोगे यार, टॉर्टोइज और रैबिट वाली कहानी याद है ना, बीच में जाके रैबिट सो गया था, हालांकि अब हम लोग मानते हैं कि वो सो गया था तो उसकी लाइफ बेटर थी बट इवेंचुअली जीता तो टॉर्टोइज ही था ना यार, इवेंचुअली इट वाज़ द टॉर्टोइज हु वन। सो हाउ डज इट मैटर बच्चे, फास्ट और स्लो इज समथिंग दैट डज नॉट मैटर, आराम से आंसर करो, बिलीव ऑन एक्यूरेसी, आई से बिलीव इन एक्यूरेसी, सही जवाब दो उससे फर्क पड़ता है, जल्दी जवाब किसी ने दिया तुम नहीं दे पाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, इट डज नॉट मैटर। यस मैम, वी मूव अहेड। Definitely, yes. So, this is an unknown sender. They have named themselves as Chavi Ma'am ka Ladla and Prakshi Ma'am ka Rockstar. So, सबसे पहले Chavi Ma'am के लिए. So, Chavi Ma'am, he or she is asking you that you must have seen many different things like highs and lows as a teenager. So, as keeping them in place, how should they cope up with their positive and their negatives? Okay. So your experience of positive. I'll tell you one thing. अगर हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं, हम आपके टीचर बने हैं, तो ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट आवर लाइफ हमने सिर्फ अच्छी चीजें ही देखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत ज्यादा ऐसी मतलब आई वुड रादर से कि ऐसे बहुत ही ज्यादा इंसिडेंट हुए हमारे लाइफ के अंदर जिसकी वजह से हम भी डिसअपॉइंट हुए हैं।
ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं हमने आगे बढ़ना बंद कर दिया. द वन थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर, इनरिस्पेक्टिव आपकी लाइफ में कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है. ये मत सोचो ना, थिंक अबाउट दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ योर लाइफ. इफ यू हैव ए ग्लास, एक नॉर्मल सा, हम बार बार पढ़ते हैं यार जिंदगी में, हम ये देखते हैं कि ग्लास आधा खाली क्यों है, थिंक अबाउट इट, ये आधा भरा हुआ क्यों है, उसके बाद डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे. अच्छा, हाईज एंड लोज. अच्छा, और सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने फेलियर नहीं देखे, बहुत बार फेलियर देखे हैं. अच्छा, एक फेलियर मैं आप लोगों को बताऊंगी, शायद मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं है. एक बार मेरा ड्राइविंग टेस्ट हो रहा था, तो उसका रिटन टेस्ट था और एक था आपका बिल्कुल ड्राइव करके दिखाने वाला. यू वोंट बिलीव, मैं रिटन टेस्ट में इतना पढ़ के गई, मैं आखिर में फेल हो गई उसमें. एंड वो भी फेलियर था माई लाइफ में. मैंने कहा कि अरे यार ये क्या, इसमें भी फेल कर दिया. उसके बाद मैं दोबारा उसका पेपर देने गई थी. तो इसका मतलब ये है कि मैं लाइसेंस नहीं ले सकती या नहीं, हमने लिया है नया लाइसेंस, हमने किया ये सब चीजें, फेलियर होते रहते हैं लाइफ में, की फर्क पैंदा है यार, जस्ट चिल मारा करो अपनी जिंदगी को. हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा फेलियर आए ही आए हैं. ठीक है. यस मैम, मैं इनफैक्ट मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिली थी मेडिकल की. सो बट यस, मैं इसलिए मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि देखो मैं फेल हुई बट मुझसे सीखो, कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ. हमेशा सक्सेस की स्टोरी सुनते हैं, कभी फेलियर की सुनो, उनसे सीखो. यस मैम, सो प्राक्षी मैम ये क्वेश्चन आपके लिए है. सो सेम, दे आर नेम्ड एज प्राक्षी मैम का रॉक स्टार. सो यू मस्ट हैव सीन मेनी डिफरेंट थिंग्स लाइक हाइज एंड लोज, एंड हाउ शुड यू कीप अप अगेन द सेम वन. See, honestly, I'll tell you one thing, that there's this one thing in this world that keeps me motivated. You know what is that? That is always the smile on my parents' face. I think both Chavi ma'am and Janani ma'am would agree to this. मतलब हम कितने भी down हो अपन, मतलब एकदम उनको देख लेते ना माँ बाप को, तो ऐसे लगता है भाई अब तो बस, you know, अब तो काम करना है, इनके लिए करना है, बाकी सब छोड़ो. So whenever you feel, see, we have also been low. हमारे साथ जैसे कि छवि मैम ने बताया, ड्राइविंग टेस्ट तो मैम बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसको पास करना तो आई कम्प्लीटली अग्री, काफी मुश्किल चीज है. उसके अलावा भी पढ़ाई में भी यार कितने फेलियर्स आते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा हमने हर जगह अच्छा ही परफॉर्म किया था, नहीं होता ऐसा. लाइक मैम सेड, आई ऑल्सो कुड नॉट क्लियर माई एग्जाम इन द फर्स्ट गो, नहीं होता यार मेरा भी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी थोड़ी रोक दूं मैं अपनी, एक एग्जाम नहीं निकला मेरा तो. अरे पूरी जिंदगी मेरे सामने, आई कैन डू मच 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 बेटर थिंग्स. टुडे डॉक्टर्स गिव मी अ कॉल एंड दे आस्क मी कि प्राक्षी मैम प्लीज बताओ अनअकैडमी कैसे ज्वाइन करें, तो दैट इज नॉट गुड. आई मीन दैट्स नॉट, सी नथिंग इज द एंड, एंड कुछ भी नहीं है, यू कैन ऑलवेज, इट्स यू हुज गोइंग टू डिसाइड कि आप इस चीज को बढ़िया कैसे करने वाले हो. सो डोंट बी सैड, हाईज एंड लोज सबकी जिंदगी में आते हैं, मेरी जिंदगी में भी बहुत आए, सबकी जिंदगी में आते हैं, है ना. So I stay motivated by looking at my parents. You find your source of motivation. बस निब्बा निब्बी मत ढूंढना, उसके अलावा जो भी तुमको source of motivation मिलता है वो ढूंढ के motivated रहो, ठीक है. And ma'am, सागर ने एक और question पूछा कि प्राक्षी मैम की शादी कब होगी. Yes, this is a question. Ma'am, actually tell us, प्राक्षी मैम की शादी कब होगी. प्राक्षी मैम, this is high time. आपकी एज हो चुकी है, आप शादी कर लेनी. 24 साल अब, डोंट डिस्क्लोज योर एज ओवर हियर, अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करते हैं. उस दिन भी हमारा सेशन हुआ, सिमरन मैम ने बोला अरे मैं तो अभी इतनी छोटी नहीं हूँ, मेरी इतनी है, मेरी शादी हो गई. उसके बाद यू ऑल्सो डिस्क्लोज योर एज, तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम व्हाट्स योर एज, फिर मुझे बताना पड़ गया था. देखो यहाँ पे एज मत बच्चों. यस मैम, मुझे भी आज तो सच का सामना है छवि मैम, आज तो सच बताना है आपको, अब आज तो बता ही दो अपनी एज बच्चों को. बच्चों को पता है यार. गाइस गैस करो, गैस करो कमेंट सेक्शन में व्हाट व्हाट इज माय एज. बिल्कुल मैं समबडी इज आस्किंग मैम, लव मैरिज या अरेंज मैरिज. ओह क्यों है ये तो मुझे नहीं पता अभी. अरे जब आपको पता है कि भाई यार अभी इस पे क्यों फोकस कर रहे हो, देखो शादी पे फोकस कर रहे हो, शादी यार करनी क्यों है, मतलब क्यों करनी है यार शादी, है ना. अभी पहले पढ़ाई पे फोकस करो, फोकस ऑन योर स्टडीज. शादी सबकी हो जाती है, सबकी शादियां हो जाती हैं, सबको मिल जाएगा. अब आप में से कोई सलमान खान हुआ जिसकी शादी नहीं हुई तो वो कुछ कर नहीं सकते, बट वो सबकी जाती है. क्यों प्राक्षी मैम, प्राक्षी मैम आप एक आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या है, मतलब कब आप चाहते हो कि कब आपकी शादी होनी चाहिए, या आप 2 साल 3 साल कभी तो सोचा होगा ना आपने, ये बताना. बच्चे ये जानना चाहते हैं मैम. बच्चों ने तो मना कर दिया.
कह रहे हैं आप मत शादी करना अभी. यार ये तो बड़े गंदे गंदे बच्चे हैं यहाँ पे. यहाँ पे मेरी एज लिख रहे हैं 51 ईयर्स. 51 ईयर्स की दिखती हूँ मैं, आज तक मेरे डिमांड कलर नहीं करे. 28 भी लिखा है मैम. ओह दैट्स सो गुड, सो गुड. ये अनीशा, थैंक यू सो मच. मेरा बच्चा 28. ओके 28 तो 32 वाली मैम. एक तो 100 भी लिखा हुआ है. तो बड़े 20 बच्चे हैं. सेंचुरी मार लो क्लास अभी मैम. इनके क्लास में आते कभी 100 अभी मैम. जीजू का नाम बताइए. जीजू. एक तरफ मुझे बुढ़ी बना रहे हो तुम, 100 ईयर्स की बना रहे हो, और उधर जवान बना रहे हो. यार ये तो गलत ही बात होगी. अच्छा चलो, मेरी एज के ब्रैकेट में आप बहुत सही पहुंच चुके हो. मेरी एज 27 से लेकर 31 के बीच में. अब आप गैस कर लो मेरी एज क्या है. ठीक है, अब इससे ज्यादा मेरे से मत पूछ रहा, और आगे से कभी ये क्वेश्चन पूछा ना तो देखना. डोंट आस्क. 26, 20 और 25 भी गैस हुआ. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. मतलब शर्म कर लो, 20 से कभी 25 से नीचे मत पहुंच जाना, कि 25 से कम भी दिख सकती है जब भी मैम. ठीक है, वो मत लेकर आना कभी भी. 24 भी होता है, 23 भी होता है, 20 भी होता है. नहीं मतलब जाओ 25 के ऊपर ही बेटा क्लासेस में. यस, सो अगेन क्वेश्चन फॉर छई मैम. आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बोरिंग लगता था, और आप उस सब्जेक्ट को कैसे कवर करते थे? तो ये रानी ने आपसे पूछा. फर्स्ट ऑफ ऑल रानी, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन. मेरे दिल का दर्द समझ लिया. मेरा सबसे बुरा सब्जेक्ट मेरी 12th स्टैंडर्ड मुझे केमिस्ट्री लगता था. मुझे नहीं समझ में आती थी केमिस्ट्री. एंड वो कैसे करती थी यार, मैंने ना आखिरी में ना क्या किया था, कुछ माइंड मैप्स पढ़ के चली गई थी बस. वो उन माइंड मैप से सोचो कि पास होगी. ऐसा बुरे मार्क्स नहीं आए थे, ठीक ठाक अच्छे मार्क्स आ गए थे. अराउंड 80 के अराउंड मार्क्स आ गए थे, 78-80 के अराउंड. इतने मार्क्स से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट दैट वॉज केमिस्ट्री. मेरे को बहुत गंदी लगती थी केमिस्ट्री, मुझे सारे रिएक्शन एक जैसे लगते थे. फिजिक्स वॉज माई फेवरेट. बहुत सारे बच्चों की फिजिक्स फेवरेट नहीं होती, बट फिजिक्स वॉज माई फेवरेट. केमिस्ट्री तो मुझे पसंद होता नहीं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा था. मेरे फिजिक्स वाले सर मुझे बहुत अच्छे लगते थे, इसी वजह से मुझे फिजिक्स अच्छी लगने लगी, और मुझे केमिस्ट्री वाली मैम नहीं अच्छी लगती थी, इसलिए मुझे केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगी. मे भी ऐसा हो सकता है. यहाँ पे मोटिवेशन सब्जेक्ट नहीं, कुछ और था. नहीं यार मार्क्स भी तो आए ना अल्टीमेटली. मुझे आज मार्क्स याद है. हम कमेंट सेक्शन में भी सब यही लिख रहे हैं कि बायो के बाद उनकी फेवरेट केमिस्ट्री और सबसे गंदी फिजिक्स होती है. छवि मैम का उल्टा है. हाँ यार छवि मैम का उल्टा है यार. मेरे को फिजिक्स अच्छी लगती थी, ट्रूली स्पीकिंग अच्छी लगती थी. मैं तो बच्चों को बताती हूँ, जिस दिन मेरे को कोई सर कुछ कराते थे ना, उसी दिन मैंने सुबह 4 बजे, मतलब मेरा शेड्यूल रहता था रात को 2 बजे उठना. 2 बजे उठ के मैं सुबह 6 बजे तक पढ़ाई करती थी. और उस समय यू वोंट गाइज बिलीव कि अगर आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया ना, तो उस समय मेरे पास एक बुक हुआ करती थी, और उस टॉपिक के बाद क्वेश्चंस होते थे उसके, न्यूमेरिकल्स होते थे, तो मैं सेम डे उसको सॉल्व करती थी. तो मैंने ऐसे शायद हार्डवर्क उसके लिए किया है, और इसलिए आप भी करोगे तो आपको फेवरेट फिजिक्स हो ही जाएगा. केमिस्ट्री तो, केमिस्ट्री वाज नॉट माय कप ऑफ टी, आई एम सॉरी. ऑलराइट, सो यस, दिस इज फॉर प्राक्षी मैम, अगेन बाय रानी. मैम आपका बचपन से क्या इन था, एंड क्या आपको कभी लगा कि आप बायोलॉजी टीचर बन पाओगे? लाइक बचपन से ही क्या आपको टीचर ही बनना था? सो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता ही रही थी. रानी थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. नहीं यार, मैंने बचपन में, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं कभी बनी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी. ऑनेस्टली बचपन से, लाइक आई रिमेम्बर आई वॉज 3 or 4 years old, और किसी ने मुझसे पूछा था क्या बनोगे, मैंने कहा डॉक्टर. और तब से ना ये बात, मतलब इतना वो ब्रेन में ऐसा होता ना कि घुस गई थी बात. 10th में अपने आप बायोलॉजी से इतना प्यार हो गया. 11th 12th में आई वॉज लाइक नहीं, बायो ही पढ़ना है, कुछ और नहीं करना. तो मतलब डिसाइडेड था मेरा, हमेशा से ये डिसाइडेड था कि डॉक्टर बनना है. फिर पता नहीं यार, जब कॉलेज में आई ना, कॉलेज में आके लगा कि नहीं, आई थिंक आई कैन टीच ऑल्सो, आई थिंक आई कैन यू नो चेंज थोड़ा बहुत बच्चे कैसे सोचते हैं. ठीक है, छवि मैम का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है. छवि मैम बता दो पहले तो सुशांत को. मैम तुम तो क्वेश्चन ना ही पढ़ो तो ज्यादा बेटर है. मैम छाया हुआ है वो क्वेश्चन, उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे चैट बॉक्स में. अच्छा आप और सर कैसे मिले, और सर ने क्या, सर मैं क्या देखकर शादी करी? अरे गाइस इट वाज अरेंज्ड मैरिज. देखो मैं ओपन कह रही हूँ, इट वाज अरेंज्ड मैरिज. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, इट वाज अरेंज्ड मैरिज.
चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बस और क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि स्मार्ट और इफेक्टिव स्टडी विच इज बेटर एंड डिस्ट्रैक्शन कैसे खत्म करें? ये बहुत अच्छा है कि डिस्ट्रैक्शन कैसे खत्म करें। देखो पता क्या है, हम किसी चीज को डिस्ट्रैक्शन तब कहते हैं जब हम उसका ओवर यूज करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं व्हाट्सएप यूज कर रही हूँ या फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज कर रही हूँ या यूट्यूब पे वीडियोस देख रही हूँ, आई वोंट कंसीडर देम एज अ डिस्ट्रैक्शन अंटिल अनलेस मैं उसको ओवर यूज करूंगी, जब मैं अपने पढ़ाई वाले आवर्स में उन चीजों को यूज करूंगी। सो बेटर है चीजों को ना बिल्कुल सेपरेट करके चलो। नाउ दिस इज माय टाइम जब मुझे अपने आप को मतलब एंजॉयमेंट चाहिए और मुझे डिस्ट्रैक्ट एक्चुअली होना है, देन गो फॉर ऑल दीज थिंग्स। और अपना टाइम डिवाइड करो यार, मुझे इतना पढ़ना है। और मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ, वट एवर योर गोल्स आर, जैसे सपोज करो आपको कुछ भी बनना, एंड दैट एक्चुअली वर्क्ड फॉर मी, मैं आज बता रही हूँ मुझे ये मेरे लिए काम किया है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये मैंने कहीं रेडियो पे सुना था जब मैं आई वॉज इन माई ग्रेजुएशन, तो फिर वहां उन्होंने बोला कि एक A4 शीट लो, बहुत सुंदर सी शीट लेनी है, बहुत सुंदर सी हैंडमेड पेपर, वट एवर यू वॉन्ट, उसके ऊपर लिखो दैट वट यू वॉन्ट इन लाइफ। मैंने सोचा था कि देखो मैं ग्रेजुएशन जब कर रही थी, देन आई थॉट कि मुझे PhD करनी है, मुझे सबसे अलग करना है यार। सारे पता है बोलते थे कि यार PhD तक पागल हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं। आई थॉट कि नहीं, मैं तो यही करूंगी और पागल नहीं होके दिखाऊंगी। मैंने लिखा अपने नाम के आगे डॉक्टर छवि जडवानी, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि उसको अपने मैट्रेस के नीचे या कहीं पे भी रख दो। आई कैप दैट, और इनफैक्ट वो चीज सिर्फ मुझे दिखती थी, वो किसी और को नहीं दिखती थी। तो मुझे जब मैं उस चीज को बार 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 देखती थी तो मुझे मोटिवेशन आता चला जाता था, आता चला जाता था। तो आप भी कुछ ऐसी चीज करो जिंदगी में ताकि आपको मोटिवेशन आए। व्हाट यू वांट इन लाइफ उसको लिखो सामने। अब ये नहीं है कि अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख दो उधर कि मुझे ये चाहिए, या फिर अगर आप ये लिख दो किसी भी हीरो हीरोइन का नाम मुझे ये चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ी पॉसिबल वाली चीजें लिखना और वो डेफिनेटली आप अचीव करोगे, है ना? ये शशांक बहुत गंदे गंदे सवाल पूछ रहा है, मेरी मम्मी सेशन देख के मारेगी मुझे। मेरी भी सुशांत, हम सीधे बच्चे नहीं सुशांत, हम ये सब बिल्कुल नहीं करते। यस, सो ये वापस एक कॉमन क्वेश्चन है कि मैम आपसे क्वेश्चन ही सजेशन लेना चाहिए कि पीस ऑफ माइंड कैसे मेंटेन करें, क्योंकि कनिष्का के आसपास के एनवायरनमेंट काफी डिस्टर्बिंग है, तो कोई टिप्स आप उसे देना चाहेंगे? ओके, तो मैं एक टिप इसको जरूर देना चाहूंगी कि देखो पता है क्या होता था, एक चीज होती है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन की बात करें, एक डिस्ट्रैक्शन का मैं ओवर यूज बताऊंगी और वो आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। कई बार बहुत डिस्टर्बेंस होती है यार आसपास, तो हमारे पास फोन सबके पास होता है, लैपटॉप होता है, हेडफोन्स होते हैं, तो हेडफोन्स लगाओ एंड उसमें वाइट म्यूजिक चलाओ। वाइट म्यूजिक 10-12 घंटे की क्लिपिंग मिल जाएगी आप लोगों को, आप उसको डाउनलोड करो और उसको सुनो और साथ साथ पढ़ते रहो। अरे दुनिया में कुछ होता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा फिर। सो गो फॉर दैट। मैं एक्चुअली ऐसे करती हूँ, मैं आज भी ऐसे करती हूँ। इनफैक्ट जब मुझे अपनी डॉटर को सुलाना होता है तब भी मैं वो वाइट म्यूजिक लगाती हूँ एंड वो आराम से सो जाती है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू, फोकस ऑन लाइक वाइट नॉइज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, उसको चलाओ एंड उसको सुनो, नो डिस्ट्रैक्शन, सामने कोई कुछ भी हो जाए सन वो फर्क नहीं पड़ना। क्यों मैम? ये मैं भी ट्राई करूंगी मैम, ये मैं भी ट्राई करूंगी, मुझे अच्छा लगा एज अ स्टूडेंट। यस प्राक्षी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? यार बच्चे, यू नो व्हाट, आई थिंक पीस ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। यू नो समटाइम्स आई हैव सीन पीपल, कोई बहुत उनके साथ ना, उनके सामने कुछ बहुत बड़ा यू नो उन पे तबाही भी हो जाए, बहुत बुरा हो जाए, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। देर आर अ फ्यू पीपल लाइक मी, मेरे आसपास इतना सा चूहा भी आ जाए मेरे रूम में, आई विल स्टार्ट शाउटिंग। तो आई थिंक इवेंचुअली जो पीस ऑफ माइंड वाली चीज है ना यार, ये इंसान टू इंसान वैरी करती है, एंड यू विल हैव टू ग्रो दिस, ये आपको ग्रो करना पड़ेगा, धीरे 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 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैम पता है क्या, 11-12 में मुझे लगता है ऐसा होता ही है कि बच्चे ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है, हॉर्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं, पेरेंट्स कभी कभी लगता है वो समझ नहीं रहे होंगे, उसके बाद कभी कभी ऐसा लगता है हमको कि यू नो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो हम बहुत सारी चीजों से परेशान रहते हैं। पता नहीं क्यों 11-12 में, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं,
चिल करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, मजे करो, आराम करो अपनी जिंदगी में, पढ़ लो, पढ़ने का मन है तो, नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़ो, खुद को ओवर एक्सर्ट मत करो और खुद के साथ ना हार्श मत हो, प्लीज प्लीज डोंट बी हार्श विद योरसेल्फ। आई सी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स रात रात भर सो नहीं रहे, सुबह भी उठ के पढ़ रहे, अरे पढ़ना इज अ वेरी गुड थिंग बट डोंट बी वेरी हार्श ऑन योरसेल्फ, है ना, इस पॉइंट में मत लाओ खुद को कि हम बहुत दुखी हो जाए उसके बाद। सो यू हैव गॉट अ ब्यूटिफुल वे, यू नो यू हैव गॉट लाइफ, सबको नहीं मिलती है ह्यूमंस की फॉर्म में लाइफ, तुमको मिली है इंसानों की भाषा में ना, यू हैव बिकम अ ह्यूमन, तो मजे लो यार उसके, अगले जन्म में पता नहीं भगवान क्या बना दे अपन को, तो अभी तो मजे करते हैं सारे के सारे लोग, अभी जो मिला है उसके साथ मजे करेंगे, ठीक है। साक्षी मैम आपने अपने स्टूडेंट्स को कुछ पार्टी की प्रॉमिस दी हुई है क्या? बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप पार्टी कब देने वाले हो। वो बोलते हैं कि मैम पार्टी दो, मेरा बर्थडे कुछ समय पहले गया था, सो देवर ऑल लाइक कि राक्षस मैम पार्टी दो, एंड सिंस देन वो मुझे बस एक बात बोल रहे हैं कि हम सबके घर पे आप स्विगी करो, और मैं उनको बता चुकी कि पार्टी नहीं देने का एक रीजन है और वो है लैक ऑफ मनी। झूठ मत बोलो मैम इस प्लेटफॉर्म पे, देखो झूठ मत बोलो, अनअकैडमी को अभी डॉक्टर फोन करके पूछ रहे हैं मैम कि अनअकैडमी को कैसे ज्वाइन करना है, नाउ यू आर सेइंग कि मैम लैक ऑफ मनी, व्हाट इज दिस, सब कुछ शादी के लिए बचा के रखना है क्या मैम? मैम हम और दाउरी के हकीकत है, हमने बता दिया और खोल दी मैम की सभी। मैम क्यों किया आपने ऐसा? बच्चों बिल्कुल पार्टी मांगो मैम से, अच्छे से पार्टी मांगो, इनफैक्ट मेरा भी एड्रेस ले लेना बेटा। यस छवि मैम नेक्स्ट फॉर यू कि यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम व्हिच कॉलेज, हैव यू स्टडीड? आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दौलतराम कॉलेज, इट्स इन नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। सो एंड अभी भी सब पार्टी के पीछे ही पड़े हुए हैं मैम। मैम अब तो देनी पड़ेगी यार, एक गलत बात मत करा करो मैम, पार्टी तो बिल्कुल बनती है, आपका बर्थडे था फिर भी आपने बच्चों को पार्टी नहीं दी, वेरी बैड वेरी बैड। बच्चों अब छवि मैम देंगे तुमको पार्टी। बिट है और वो कहती है लैक ऑफ मनी, क्या 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 होता है वो पूछो जरा। फिटबिट वॉच क्या बात है मैम, ये देखो मैम गलत बात है यार, आप लोग तो बिल्कुल ऐसे मत दिखाया करो यार बच्चों को मोटिवेशन कैसे आएगा जब बच्चों को पता लगेगा कि भाई ये सब कुछ होता है, हमें प्राक्षी मैम की तरह क्यों बनना है, तो अल्टीमेटली बच्चों को बताओ ना ये सब चीजें, तभी तो बच्चे बनेंगे ना प्राक्षी मैम की तरह। ओके सो यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्राक्षी मैम की, डिड यू गो फॉर एनी कोचिंग फॉर नीट? ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच फेहमिदा फॉर द क्वेश्चन। आई एक्चुअली टुक कोचिंग फॉर 1 year, इट वॉज आई शुडन से इट वॉज फॉर नीट, इट वॉज फॉर क्लास 12th, वेन आई वॉज इन क्लास 12th आई डिड कोचिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड या दैट वॉज इट, आई डेंट एक्चुअली टेक प्रोफेशनल कोचिंग फॉर नीट, जैसे नीट के लिए बच्चे जाते हैं 11, 12 दो साल जा रहे हैं या फिर बाद में ड्रॉप करे तब जा रहे हैं, वैसा कोचिंग नहीं लिया था, केवल 12th स्टैंडर्ड में क्योंकि फिजिक्स नहीं आती थी तो उस समय लिया था स्पेसिफिकली फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, that was what coaching I did, otherwise I've not done any you know formal coaching for NEET, not like that. Well, ठीक है आगे बढ़ते मैम, प्लीज गाइड अस फॉर नीट ऑफ दिस ईयर, व्हेन एप्लीकेशन फॉर्म्स विल रिलीज एंड हाउ वी कैन अप्लाई फॉर, बिकॉज सेजल इज सेइंग दैट शी हैज नो आइडिया अबाउट इट, so definitely I think all the educators will be guiding, especially Prakshi and Savi ma'am, aap log jab forms ke update and all dete rahoge aapke videos mein, right? definitely kisi platform pe aapko update milta rahega jo bhi aapke exams aayenge, abhi aapka jo exam aa raha hai wo aa raha hai KVBY ka exam, aur uske liye bhi hum ek latest update aap logo ke liye zarur lekar aayenge kyunki hamare bacche KVBY ka paper bhi de rahe hain, to uske liye bhi kuch series hum zarur start karenge isi platform pe, and dusri baat NEET ke jaise hi registration pata lag jayenge channel subscribe kar lo, yahan pe sabse pehle aapko notification mil jayegi, and that too in a crisp form, बहुत छोटे से क्रिस्प फॉर्म में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है हमारी घंटों घंटों कोई वीडियो चलेगी, क्रिस्प फॉर्म में यू विल गेट ईच एंड एवरी अपडेट, व्हाट से प्राक्षी मैम डेफिनेटली एब्सोल्युटली मैम, हमने कल के सेशन में भी यही बात डिस्कस की थी, फेवरेट स्टूडेंट आर आस्किंग दैट प्लीज रेकमेंड देम अ बुक फॉर फिजिक्स, अगर
12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करी थी, अब बुक पूछ रहे हो, उसके बाद तो वो बुक चली भी गई होगी, कौन सी बुक थी यार। मैं सिर्फ बुक डिमांड हुई है, कुछ टाइम बाद ये डिमांड होगी कि आप बायो के साथ एक चैप्टर फिजिक्स भी रोज पढ़ाओ। मैम वो आती है, वो आती है बच्चों की, कहते हैं फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज मेरे से प्लस पे बच्चे, तो मैंने कहा भेज दो यार क्वेश्चन भी भेज दो। तो ऑब्वियसली वो मैं अब तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी कब यार, 12th स्टैंडर्ड के बाद तो कभी उठाई भी नहीं फिजिक्स, बिकॉज मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट रहा है हमेशा। और मोर ओवर फिजिक्स की उस समय जो बुक करती थी मैं, वो तो मैं प्रदीप की हमारी बुक हुआ करती थी, उसी को मैं पढ़ती थी। अब मुझे नहीं पता जो आपके टीचर आपको रिकमेंड करते हैं आप वही बुक पढ़ो, बट जो टॉपिक पढ़ोगे उसके न्यूमेरिकल्स, उसकी जो बैक एक्सरसाइज होती है ना, उसको कंप्लीट कर लो। जैसे ही कंप्लीट कर लोगे ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। मैंने तो बहुत बुक्स कॉपीज भरी देती थी, भर देती थी सब कुछ सॉल्व कर करके। यस एसएल अरोरा, मैंने 3 इयर्स पहले ही नीट दिया, तो उसमें मैंने तो एसएल अरोरा से पूरी प्रिपरेशन की थी। सबसे लेटेस्ट अपडेट मुझसे ले सकते हो। ये हिंदी मैम ने आपको बता दिया, ये एक बुक है जो बच्चे आप मैम से फिजिक्स पढ़ लो फिर तो, फिर तो मैम ने 3 साल पहले पढ़ा है, सो मैम कैन टीच यू गाइस फिजिक्स। ओके यस, सो अनीशा हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि मैम स्मार्ट और इफेक्टिव स्टडी कैसे करें और सभी डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म करें, नीट 2020 को क्रैक करने के लिए अभी से हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, नीट के लिए ऑल सब्जेक्ट में एनसीईआरटी के साथ दूसरी कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, एंड शी इज ऑल्सो सेइंग कि 7 to 8 hours सोने के बाद भी और नींद आती है उन्हें, बहुत स्लीपिंग मतलब स्लीप साइकिल बिगड़ रही है एंड डेली रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा, एंड दे हैव स्कूल ट्यूशन ऑनलाइन क्लास सेल्फ स्टडी, ये सब टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा। सो आई थिंक ये सब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्वेश्चन में पूरा समराइज करके अनीशा ने भेजा हुआ है। दैट इज सुपर ऑसम अनीशा, आपने लिटरली आई थिंक इस समय हर बच्चा जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यही कॉमन प्रॉब्लम्स है हर किसी की। सो थैंक यू सो मच अनीशा फॉर पुटिंग अप क्वेश्चंस ऑफ द एंटायर नीट वाले बच्चों की। सो चलो लेट मी स्टार्ट आंसरिंग, लेट शमी मैम आल्सो स्टार्ट आंसरिंग। स्मार्ट और इफेक्टिव स्टडी कैसे करें और सभी डिस्ट्रैक्शन, आई थिंक सभी डिस्ट्रैक्शन तो शमी मैम ऑलरेडी आपको बता चुकी है ना कि सभी डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म करना है ना। सो डिस्ट्रैक्ट होने की तो जरूरत अब है नहीं। मोबाइल, एक मैं जेन्युइन एडवाइस दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। जब मैं प्रिपरेशन करी थी, आई यूज्ड टू डू वन थिंग, आई यूज्ड टू गिव माय मोबाइल टू माय मॉम व्हेन आई एम नॉट यूजिंग इट, ठीक है। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ फोन से, वैसे हमारे जमाने में तो मैम फोन से कौन सी पढ़ाई होती थी, हमारे टाइम पे तो कोई यूट्यूब वीडियोज वगैरह होते नहीं थे कि फोन से पढ़ ले, तो जरूरत वैसे भी नहीं पड़ती थी। बट हाँ, व्हेन आई एम नॉट यूजिंग माय फोन, आई यूज टू गिव माय फोन टू माय मॉम। सो इफ यू आर श्योर कि तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो बैठ के या कुछ ऐसा करो, प्लीज एक काम करो, जाके मम्मी को फोन दे आओ, ठीक है। इससे दो चीजें होंगी, पहले तो पढ़ाई में ध्यान वाला रहेगा, दूसरी बात ऐसे काम नहीं करोगे जिसमें डर लगे कि मम्मी को फोन देना है या नहीं देना। सो दोनों बच्चा पक्का पढ़ रहा होगा। मैम आप स्लीप साइकिल के बारे में उनको एडवाइस दोगे, बिकॉज़ दे आर सेइंग कि 7 to 8 hours सोते हैं, डिस्टर्ब्ड होती है, फिर कभी-कभी वापस नींद आता है। मैम नींद आने का मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी फील स्लीपी व्हाइल वी आर स्टडिंग, या तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करोगे तो नींद आएगी पक्का, और दूसरा चीज ये होता है कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो। सो आई विल टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू डू, जैसे बायो मेरा फेवरेट था, तो जब भी मुझे नींद, पढ़ते वक्त ही नींद आती है, कुछ और करते वक्त नींद नहीं आती, ये भी प्रॉब्लम मैं बहुत सुनती हूँ कि मैम सिर्फ पढ़ते वक्त नींद आती है। What we guys, what, like, हम क्या कर सकते हैं इस चीज में कि बेटा जब भी आप पढ़ो ना, जैसे बायो पढ़ रहे हो तो उसको लिख लिख के पढ़ो, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट साथ साथ बना बना के पढ़ो, तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ आप उस समय ध्यान आपका बुक्स में होता तो वो नींद आएगी। बट साइमल्टेनियसली जब आप काम भी कर रहे होगे, यू आर राइटिंग ऑल्सो साइमल्टेनियसली, तो उससे आपको जल्दी चीजें भी याद होंगी और ऊपर से आपको नींद भी कभी नहीं आएगी। लिख लिख के याद करो तो डेफिनेटली देखो आप लोगों को मजा आएगा और मतलब आपके दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी। ट्राई टू डू दैट, ये हमारे लिए, मेरे लिए तो काफी काम किया था, मैं हमेशा लिख लिख के पढ़ती थी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, इनफैक्ट बायोलॉजी भी, शॉर्ट नोट्स बना बना के ऐसे 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 बनाने के बाद ना उसको ऐसा मिरर के सामने खड़े होकर किसी को समझाना, डू दैट, उसको समझाने की कोशिश करो, किसी को पढ़ाने की कोशिश करो किसी को, तब देखो अपने आप नींद भी गायब हो जाएगी और टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अग्रीड। ऑलराइट, सो वी विल मूव फॉरवर्ड।
Yes, describe your worst day in classes, especially for Prakshi ma'am. And Saroj has asked it. Okay, my worst day in class, like as a tutor or as a student? I had worst days in both ways. In any class. One experience which you would as like a, to as a, share? As a teacher, you must be having some bad day also, no? Mom, I think we all do have bad days, no? Matlab, theek hai, ho jata hai kabhi kabhi, hum bhi upset ho jate, it's fine. Kabhi kabhi, mom, I think mere bachcho ko pata hai. I don't like, you know, like students, aapko bhi pata hoga, Chami ma'am, Janani ma'am, dono dekhte honge, YouTube pe kaafi baar na bachche aate hain. Kahin aur chale jate hain. Haan, haan, haan. So that is something. वो देख के ही ना मैम मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग. आई मैं वो वाली इंसान हूँ कि मुझे लगता है पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से यू नो बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए. एंड देन आई सी दैट एंड आई गेट सुपर इरिटेटेड. एंड आई थिंक मेरे सारे बच्चों को पता है हमेशा से कि मैं यही बात हमेशा बोलती हूँ कि बी ए नाइस पर्सन, यू नो मार्क्स आ जाएंगे, बाकी सब हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी. सबसे पहली चीज ये सीख लो कि हम एक अच्छा इंसान कैसे बने, है ना. सो आई थिंक सरोज नोज इट वेरी वेरी वेल, दैट्स व्हाई शी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन. यस, सो वी मूव फॉरवर्ड. यस, बेस्ट वे टू लर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अगेन हाउ शुड दे प्रिपेयर फॉर बोथ नीट एंड बायोलॉजी. इसके पे तो काफी टिप्स दे चुके हैं, बट एनीथिंग फॉर मेमोरी और हाउ शुड दे कीप द थिंग्स इन माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. देवशीष, I think the key to remember anything for a long time is constant revision. देखो बच्चे, if you come to my classes, of course, I know this particular person comes to my classes, this student comes to a lot of classes. तुमको पता है ना हम कैसे पढ़ते हैं? फ्लो चार्ट बना बना के, है ना. हमारी क्लास में थ्योरी से ज्यादा फ्लो चार्ट होते हैं. क्यों होते हैं? उसका रीजन ही है ये, ताकि आपको वो चीज हमेशा याद रहे. So I think a better way of learning is through flow charts or through diagrams. And then you have to do one more thing, that is constant revision. So if you do all three of these things, क्योंकि बच्चे मैम से पूछते कि मैम आपको इतना सब कैसे याद रहता है. आई थिंक एक क्वेश्चन भी था, मैंने पढ़ा था छवि मैम के लिए कि छवि मैम इतना सब हमेशा याद कैसे रहता है. तो छवि मैम आई थिंक आप अग्री करोगे, बात तो यही इवेंचुअली बार बार पढ़ते हैं तो अपने आप याद हो जाता है ना. एक और चीज बोलते हैं कि एक वो होती है ना, जब हम कोई भी घर में पूजा कराते हैं तो हमारे घर में क्या होता है, एक बार पंडित जी आए और वो पूजा कर रहे थे, मैंने देखा वो इतने बड़े बड़े मंत्र बिना वो खोले कैसे बोल देते हैं. फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे बोल देते हो, देन ही सेड कि हमें याद हो गया इतने टाइम. तो जिस तरह उनको सब मंत्र याद हो जाते हैं ना, वैसे हमें पढ़ाते पढ़ाते ये सब चीजें बेटा याद हो जाती है. एंड मैं इस चीज की गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने 3-4 बार चीजों को पढ़ लिया ना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार आप भी उन सब्जेक्ट्स में बिल्कुल पंडित बन गए. तो ये ऐसा होता है बेटा, एक्चुअली ऐसा होता है. तो हमें फिर कभी बुक्स खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर ऐसा लगता है कि यार यार ये पूछा है, भर 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 सब कुछ निकल जाता है हमसे. ये मंत्र है हमारे बेटा. यस प्राक्षी मैम, योर टेलीग्राम आईडी शिप्रा वांट्स टू नो. शिप्रा बेटा प्लीज, हाउ डू आई राइट माय टेलीग्राम आईडी ओवर हियर? प्लीज गो टू टेलीग्राम एंड लुक फॉर माय नेम प्राक्षी चतुर्वेदी, यू विल फाइंड मी ओवर देयर. ठीक है शिप्रा? नहीं तो अनअकैडमी 11 12 के टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं हूं, सो यू कैन फाइंड मी ओवर देयर. ठीक है. ओके, अगेन अ क्वेश्चन बाय महिमा फॉर छवि मैम, इज दैट आपने PhD भी कर लिया और आप हमें पढ़ाते भी हो, तो इतना सारा बायोलॉजी आपको कैसे याद रहता है? मैंने याद ही नहीं है गाइस कुछ. याद करना क्यों है यार, किसी चीज को रटना याद क्यों करना है? अगर देखो, मैं फिर भी हम बहुत बार डिस्कशन करते हैं, मैथमेटिक्स इज द वन जो मैं ऐसा पर्सनली फील करती हूँ जिसको हम देख नहीं सकते, बट हम उसको प्रैक्टिस करते हैं बार बार लिखने की. पर बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चीजें आपकी आंखों के सामने हो रही है. आप इमेजिन कर रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट. तो आपको पता होना चाहिए उसका डाइजेशन आपके इस पार्ट में हो रहा है, इस पार्ट में हो रहा है, इस पार्ट में हो रहा है, इस पार्ट में हो रहा है. सो जो चीजें आप डे टू डे फेस कर रहे हो, इकोलॉजी है आप फेस कर रहे हो, बायोटेक है, वैक्सीन आपके सामने आ रही है, जो चीजें आपको दिख रही है उनको याद क्यों करना है? वाई यू हैव टू क्रैम ऑल दोज थिंग्स? उस चीज को इस तरह रखो कि नहीं यार मुझे इस चीजों को समझना है, मुझे जानना है. और मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि जब आपका दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क आ गया ना, बिल्कुल एक वर्चुअल सा क्वेश्चन मार्क,
ये हुआ तो ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ. जब आपने क्यों वाई और क्यों की सोच लिया ना, देन डेफिनेटली आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर बच्चा बोलते हैं कि मैम अच्छा एक और चीज तो है कि मैम रटना भी पड़ता है कई चीजों में. जैसे कि मैं ये इस बात से एग्री कर रही हूँ यार, वो हर सब्जेक्ट में रटना पड़ता है, जैसे नेशनल पार्क्स के नाम है, कुछ साइंटिफिक नेम है. देखो वो तो करने पड़ेंगे पड़ेंगे, वो तो आप फिजिक्स में भी रटते हो, केमिस्ट्री में भी रटते हो, बट उनको भी लिख लिख के याद करो, सब चीजें याद हो जाती. तो हमें ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीजें रटनी पड़ी है. है दो चार साइंटिफिक नेम कभी आप हमसे भी पूछ लोगे तो हम भी भूल जाते हैं यार. इट्स लाइक ह्यूमन माइंड है, हम लोग भी भूल जाते हैं वो चीजें. बट चीजों को समझोगे, समझ समझ के करोगे तो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहेंगी. ओके ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम ले दैट. I think this is a very good one to end with. That what's the best part you like about educating a student? Acha, this question is for me. Oh, sorry guys, I forgot. What's the best part you like about educating a student? एक चीज बोलूंगी कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है, जहां पे मैं बच्चों को नहीं देख सकती बट बच्चे मुझे देख सकते हैं, यहाँ पे भी है ना, मतलब आपकी चैट को पढ़ सकती हूँ. The best part is जब आप मेरे सेशन में तीन चार बार मेरे सेशन में आ जाते हो एंड आई इंटरैक्ट विद यू गाइज थ्रू दैट चैट. बेस्ट पार्ट है मुझे पता लग जाता है कि इस टॉपिक में मेरे उस बच्चे का क्या क्वेश्चन आया होगा. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इवन मैं आप लोगों को जानती नहीं और सिर्फ मैं आपसे तीन चार बार मैंने आपकी सिर्फ चैट पढ़ी, बट मुझे पता लग जाता है कि इस समय रिचा के दिमाग में क्या चल रहा होगा, इस समय मेरे इस बच्चे श्रावणी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, महिमा के दिमाग में क्या चल रहा होगा, मुझे सब पता लग जाता है. सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा होगा, सब पता लग जाता है यार एक टीचर को. तो वो एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग देता है कि हम बड़े दिल से पढ़ाते हैं एंड हम समझते हैं एक बच्चे को. तो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है. एंड ऑब्वियसली हम एक उस जगह पे हैं जहाँ हम एक फ्यूचर बना रहे हैं यार. आप लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, हम टीचर ही रहेंगे और हम आपका फ्यूचर बना रहे हैं. सो दैट इज द बेस्ट फीलिंग ऑन दिस अर्थ. Rakshima, quickly, even if you could take this question because it's such a good question, and hum, mujhe bhi aapka experience janna hai. Which question? That's the same question. What is the best part you enjoy for educating a student? Okay. You know, like I'll tell you one genuine thing which I love. What happens? Suppose I've taught a particular topic, which I think is quite difficult. Like randomly, अगर मैं बाहर जाके बच्चों से पूछूं, it's quite difficult, you know. And then I ask a question, and then I conduct a poll, and then I see 90% students have given the right answer. And it is not a very easy thing. तो मतलब मेरे बच्चों को पता है उस time पे मेरे चेहरे पे जो smile आती है ना, मतलब मैं अपनी खुशी छुपा भी नहीं पाती. I get so happy कि I taught them and they have remembered this and they have so मतलब you know. They have learnt it so well. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा था क्लास की स्टार्टिंग में आते थे, अपसेट हो जाते थे कि मैम हम लोग लीडर बोर्ड में नहीं आ पाते. दो स्टूडेंट्स आर नाउ स्कोरिंग रैंक वन इन द लीडर बोर्ड. सो यू नो सीइंग देयर ग्रोथ, उनका ग्रोथ देखना कि भाई क्या क्या खतरनाक वाला ग्रो कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे. सो या आई थिंक दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट. इन लोगों को देखते हुए पढ़ते हुए ना आई वॉन्ट टू यू नो आई वॉन्ट टू टीच देम मोर. मैं और ज्यादा कोशिश करती हूँ पढ़ाने की और ज्यादा क्लासेस लेने की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ. सो यू नो समहाउ दे आर स्टडिंग. When I see them studying, that inspires me to teach them more. So yeah, I think that's the best part about educating them. I love the way my students study. Absolutely love it. All right, ma'am. So we'll end with this question. Chalo. It was a great time, ma'am. Thank you so much, Avi ma'am and Prakshi ma'am. And I think students absolutely enjoyed it. And they are really looking up to you. And yes, all the students have also written ki welcome to this channel, and they are also asking ki aap abhi us channel pe aaoge ki isi pe aaoge. I could see so many. इम्पैक्ट स्टूडेंट्स देखो क्या है, वो भी चैनल हमारा अपना ही है और ये भी चैनल हमारा अपना ही है. तो ये रीशफलिंग तो चलती रहती है, कभी हम इस चैनल पे कभी हम उस चैनल पे, तो ये चलती ही रहेगी. बट अभी हमारे जिन भी क्लासेस होंगी मेरी एंड प्राक्षी मैम की, वो इसी चैनल पे होंगी.
और जब भी ऐसा कोई अगला अपडेट आएगा वो डेफिनेटली आपको जरूर पता लग पाएगा. एंड जिस तरह आप लोगों ने वहां हमें सपोर्ट किया, सिमिलरली आपको हमें यहाँ पे भी सपोर्ट करना है ना. तो गाइज सब्सक्राइब कर लो. इट वॉज अ वंडरफुल सेशन विद यू ऑल. आपके दिमाग में वैसे बहुत सारे डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे. तो बहुत जल्दी ऐसा और भी सेशन रखेंगे जिसमें यू गाइज कैन इंटरेक्ट मोर विद अस. और सबसे पहले सब्सक्राइब एंड लाइक, दैट इज इम्पोर्टेंट. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Prakshi ma'am. Thank you, Thavi ma'am. And I also learned a lot from all of you. Thank you so much. Thank you, Janani ma'am, for being such a great host. Shami ma'am, maza dila diya, matlab aap Janani ma'am hai na? थैंक यू सो मच जाननी मैम. इनफैक्ट हमें भी बहुत कुछ आपसे सीखना पड़ा कि इतने छोटी सी एज में ही आप कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो. यू आर टीचिंग ऑल्सो, आप पढ़ भी रहे हो. सो इट्स एक्चुअली बच्चों को बहुत ज्यादा सीखना चाहिए कि बच्चों देखो मैम से सीखो कुछ. मैम कितने ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है, साथ साथ पढ़ना भी एंड साथ साथ पढ़ाना भी. सो हैट्स ऑफ टू यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. बाय मैम. बाय 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 स्टूडेंट्स. बाय. Sorry. Bye bye guys. It was a great session. Thank you so much.